में बारिश का कहर जारी, चट्टान खिसकने से कई घटनाएं। चंबा जिले के भरमौर में सड़क पर गिरी चट्टान, जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं लोग। भरमौर में कई जगहों पर सड़क को नुकसान, खतरनाक रास्ते से गुजर रही हैं गाड़ियां। बारिश के बाद चंबा का प्रांगण नाला उफान पर, सड़कें तबाह। लोगों के मुताबिक इस साल चंबा जिले में हो रही है भारी तबाही, लोगों की बड़ी परेशानी। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश, हाईवे पर कई जगहों पर गिरी चट्टानें। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, जगह जगह लगाए गए चेतावनी बोर्ड। सड़क पर बिखरे पड़े हैं पत्थर, कई घंटे तक बंद रहा हाईवे। एक हफ्ते में 3 बार बड़े लैंडस्लाइड, बाल बाल बचे लोग। कई जगहों पर हाईवे की एक साइड बंद, जेसीबी की मशीनें दिन रात मरम्मत के काम में जुटी। बागेश्वर में लगातार बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड, 13 सड़कें बंद। 3 दर्जन गांवों का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क, सबसे ज्यादा नुकसान कपकोट क्षेत्र में। बागेश्वर में लगातार हो रही है बारिश, इलाके की नदियां उफान पर। मुरादाबाद में बारिश के बीच पुलिस चौकी की दीवार गिरी, 1 घायल। राजस्थान के बारा में भारी बारिश से बर्बादी, कई इलाकों में जल जमाव। पश्चिम बंगाल के हुगली में सैलाब का कहर, खानाकुल इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित। खानाकुल में वायुसेना ने संभाली राहत और बचाव की कमान, डूबे घर में फंसे 9 लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। रूपनारायण नदी पर बना बांध टूटने से हुगली में तबाही का मंजर, एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सैलाब का संकट, लोगों तक पहुंचाई जा रही है राहत, बैराज से छोड़े गए पानी से आई आफत। भारी बारिश के बाद पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में सैलाब का संकट, कई रिहायशी इलाकों में जल भराव की मुसीबत। चमोली के पीपल कोटी में भारी बारिश से नुकसान, 6 से अधिक गांवों के पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे में डबरानी के पास भारी भूस्खलन, पहाड़ से गिरे बोल्डर, लैंडस्लाइड से डबरानी पुल पर बन रहा खतरा। हथनीकुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़े जाने से दिल्ली में बढ़ा बाढ़ का खतरा, निचले इलाकों में लोगों से सावधान रहने की अपील। पटना के फतुहा और दनियावा ब्लॉक में अचानक बढ़ा फल्गु नदी का, सहायक नदी की पानी, कई जगह बांध टूटे। फरीदाबाद में बिल्डर की मनमानी से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन, मेंटेनेंस के नाम पर मनमानी रकम वसूलने का आरोप। करौली में लगातार 12 घंटे की बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी। जिला प्रशासन की तरफ से भेजी गई एसडीआरएफ की टीम, राहत और बचाव का काम जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में लगातार 8 घंटे की बरसात, दरिया बन गई सड़कें, मकानों के अंदर घुसा पानी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मूसलाधार बारिश से जमींदोज हुए मकान, 2 बच्चों की मौत। रीवा में कच्चा मकान गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गांव तक सड़क नहीं होने से नहीं पहुंच पा रहा है प्रशासन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भारी बारिश से पहाड़ी मैदानी इलाकों में हाहाकार, बाजपुर हुआ जलमग्न, घर में घुसा पानी। भारी बारिश से बिगड़े चित्रकूट के हालात, मंदाकिनी के घाटों पर श्रद्धालुओं के जाने पर रोक। राजस्थान का पवित्र पुष्कर सरोवर, 2 साल बाद बारिश से हुआ लबालब, 17 फीट तक भरा पानी। धनबाद के जज हत्याकांड में एसआईटी ने अपनी कार्रवाई की तेज, तलाशी जारी। धनबाद के सभी 55 थाना क्षेत्रों से कुल 243 संदिग्ध हिरासत में, अलग अलग मामलों में 17 अपराधी गिरफ्तार। पंजाब में आज से खुले स्कूल, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक जूनियर बच्चों की क्लास। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी, स्कूल में 6 फीट की दूरी बनाए रखने के निर्देश। उत्तराखंड में आज से खुले स्कूल, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की क्लास। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए खोले जा रहे हैं स्कूल, 50% क्षमता के निर्देश। छत्तीसगढ़ के जिस जिले में कोरोना संक्रमण दर 1% से कम, वहीं स्कूल खोलने की इजाजत। आज सावन का दूसरा सोमवार, उज्जैन में महाकाल की हुई भस्म आरती। वाराणसी में भक्तों ने किया पवित्र स्नान, विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। हरिद्वार में आज शिव भक्तों की उमड़ी भीड़, शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए लगा तांता। गोरखपुर में मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना, सावन के दूसरे सोमवार में होती है विशेष आरती।
आंबा सेक्टर में दिखे चार ड्रोन, बाड़ी ब्राह्मणा इलाके की घटना। आर्मी कैंप के पास उड़ रहे थे ड्रोन, हाईवे के नजदीक है ये इलाका। रेंज से बाहर थे ड्रोन, जम्मू कश्मीर पुलिस ने नहीं की फायरिंग। गया के रहने वाले एक छात्र अमन सिंह की चीन में मौत, परिवार को हत्या का शक। अमन सिंह के पार्थिव शरीर को घर वापस लाने की मांग, दोस्तों ने निकाला कैंडल मार्च। असम मिजोरम की तनातनी पर सामने आया नया वीडियो, मिजोरम सरकार ने जारी की तस्वीर। मिजोरम सरकार की ओर से जारी वीडियो में असम पुलिसकर्मियों के हाथ में दिखी बंदूकें, लाइन मशीन गन इस्तेमाल करने का आरोप। सीमा विवाद पर असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा का नया निर्देश, मिजोरम सांसद के खिलाफ केस वापस लिया जाए। मिजोरम के सीएम जोरमथांगा का बयान, सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे विवाद। असम मिजोरम के बीच तनातनी और बड़ी, मंत्री का बयान, जान जाए लेकिन नहीं छोड़ेंगे एक इंच जमीन। आरएसएस मुख्यालय के पास बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े, युवा कांग्रेस ने आरएसएस मुख्यालय से संसद तक निकाली थी बाइक रैली। बिहार के नालंदा पहुंची चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा, उमड़ा जन सैलाब, करगिल चौक पर शहीद जगदेव प्रसाद की मूर्ति पर चिराग ने किया माल्यार्पण। दिल्ली पहुंचे कर्नाटक के नए सीएम, बोम्मई कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी अध्यक्ष से होगी चर्चा। उत्तराखंड के जागेश्वर धाम में यूपी के आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बदसलूकी का वीडियो वायरल। रोहतक धमाके की जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम, कल ब्लास्ट में एक शख्स हुआ था घायल। ताबड़तोड़ मुठभेड़ से दहला चंदौली, चार बदमाश गिरफ्तार। चंदौली के तीन अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़, एक पुलिस वाला भी घायल। हिमाचल के पोंटा साहिब में कोरोना को लेकर लापरवाही, खुलेआम घूमते दिखाई दिए लोग। केरल में 24 घंटे में 20,728 नए मामले, 56 की गई जान। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जारी किया नया कोविड गाइडलाइन, अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल और शिक्षण संस्थान। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में युवक का मिला शव, चाकू से गोदकर हत्या। दिल्ली के कंझावला इलाके में सरेआम हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिजनौर का एसी शीटर की मेरठ में मिली लाश, गोली मारकर हत्या की आशंका। दतिया में पत्नी की हत्या, घर में विवाद को लेकर पति ने वारदात को दिया अंजाम। फरीदाबाद में सेक्स ट्रैकर का खुलासा, 13 लड़कों समेत 37 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के चुरू में डबल मर्डर से सनसनी, खेत मिले शव। कटिहार में मेयर की हत्या मामले में सिलीगुड़ी से एक आरोपी गिरफ्तार, गुरुवार की रात गोली मारकर मेयर का हुआ था मर्डर। बाराबंकी में भाई ने बहन को नदी में फेंका, गांव वालों ने बचाई जान, संपत्ति हड़पने के चक्कर में वारदात को दिया था अंजाम। सोनीपत में बस चालकों और कंडक्टर के साथ लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 10 बदमाश गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में वाहन चोरों से 3 लग्जरी कार बरामद, 2 बदमाश गिरफ्तार। कानपुर में नौबस्ता बैंक के बाहर युवक की हत्या, पत्थर से सिर कुचलकर बदमाश ने किया मर्डर। फतेहपुर में पुलिस कांस्टेबल को चालान, ट्रैफिक नियम तोड़ने की वजह से भरना पड़ा जुर्माना। सोनीपत में तेज रफ्तार कार ने पीसीआर पर तैनात इंचार्ज को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। थाने में रेलवे क्राइम ब्रांच ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, यात्रियों को गुमराह करके लूटते थे अपराधी। सासाराम में नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या के केस में दोषियों को लोअर कोर्ट ने दी फांसी की सजा, हत्या के बाद दरिंदे ने शव को बक्से में बंद करके रखा था। महोबा में तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वैन को मारी टक्कर, हादसे में 2 मजदूरों की मौत। राजस्थान के हनुमानगढ़ी में दर्दनाक हादसा, झील में डूबने से 5 की मौत। मुरादाबाद भाइयों ने जीजा के साथ मिलकर भाई का किया कत्ल, 3 आरोपी गिरफ्तार। अमृतसर में हुई लूट के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, व्यापारी के यहां काम कर रहे कर्मचारी ही निकले मास्टरमाइंड। पुणे में चिकन की चोरी करता दिखा आरोपी, सीसीटीवी में चोरी की तस्वीरें कैद। टोक्यो ओलंपिक्स का 11वां दिन, डिस्कस थ्रो में भारत की कमलप्रीत कौर रच सकती है इतिहास, फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगी कमलप्रीत, शाम 4:30 बजे होगा मुकाबला। आज भारत की महिला हॉकी टीम भी दिखाएगी अपना दमखम, क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगी टक्कर। महिला हॉकी में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जारी, भारत 1-0 से आगे। टोक्यो ओलंपिक से पुरुष वर्ग के 50 मीटर राइफल पोजीशन क्वालिफिकेशन राउंड का मुकाबला भारत के संजीव राजपूत और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर से उम्मीदें। टोक्यो ओलंपिक में 200 मीटर महिला रेस में भारत की दूती चंद आगे आखिरी पायदान पर रही, 7वें नंबर पर रही दूती चंद। टोक्यो ओलंपिक से पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, चीन की बिंग जियाओ को 2 सीधे सेट्स में हराकर जीता ब्रॉन्ज। तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में सिंधु ने 21-13, 21-15 से जीता मुकाबला। 2 ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी सिंधु, रियो में जीता था सिल्वर मेडल। पीएम मोदी ने पीवी सिंधु से की बात, कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई।
3 अगस्त को दिल्ली लौटेंगी सिंधु, पिता रमना ने कहा अब प्रधानमंत्री के साथ आइसक्रीम खाएगी बेटी, पीएम ने किया था वादा। राष्ट्रपति कोविंद ने भी सिंधु को दी बधाई, देश की बेटी ने कायम की मिसाल। ओलंपिक्स के हॉकी में भारत ने रचा इतिहास, क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर पहुंचा सेमीफाइनल में, अब 3 अगस्त को बेल्जियम से मुकाबला। 49 साल बाद ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम, 1980 में जीता था गोल्ड लेकिन तब नहीं था सेमीफाइनल का नियम। भारत की हॉकी टीम के हीरो रहे गोलकीपर श्रीजेश, ग्रेट ब्रिटेन के कई पेनल्टी कॉर्नर को किया बेकार। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हॉकी टीम को दी बधाई, ट्वीट में लिखा टीम का रहा शानदार प्रदर्शन।